पहले तो मैं आज सब जितने यहाँ पर अपने लोग आए हैं सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि किसी फंक्शन में हम लोग गए थे। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे नए प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह गिल जी की रहनुमाई में जो हमारी कांग्रेस है वो तरक्की कर रही है और इलेक्शन जो आगे आ रहे हैं वो इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है इस बार कि जिसको हम इलेक्शन तो पहले भी इंडिया में होते थे, आज से पहले बहुत इलेक्शन आए बहुत गए, लेकिन इस टाइम जो लोग बीजेपी वाले जो काबज हैं इनके पहले भी वाजपेयी हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर एक डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे हमारी सरकार आती थी चाहे इसकी आती थी, पर इस टाइम जो गुंडा राज है इसके ये लोग गुंडे हैं जो बदमाशी दोनों ही प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर इसके साथ कोई इजी लड़ाई नहीं है, आप लोग ये समझ लो क्योंकि जो लड़ाई इनके साथ है क्योंकि हमने ऑलरेडी पंजाब में इनके साथ फाइट की है, मैंने खुद ग्राउंड पर लड़ाई करी है क्योंकि जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे वहां पर बीजेपी और अकाली दल का राज था, इनको हमने बुलाया पंजाब से, सबसे पहली स्टेट पंजाब थी जब हमने पंजाब को बैन किया उसको जीता, इसीलिए इनके साथ लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है और लड़ भी रहे हैं, राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रियंका जी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको भी इतनी जल्दी हो सके हम लोग जाके अपने अपने हलके में अपने अपने गांव में अपने शहर में हम लोग जाके पूरी तनदेही से काम करें, क्योंकि जो ये टाइम है एक दूसरे से नहीं कि इसको क्या बनाया इसने क्या बनाया इसको क्या बनाया औदों का मगर मत जाओ, अभी काम का टाइम वक्त काम का है, इसके बाद जब औदों की बात आगे जहां हमको एक बार इंडिया में राहुल को प्रधानमंत्री बना दे उसके बाद वापस आएंगे सबको औदे देंगे कोई बात नहीं सबको एडजस्ट होएगा, लेकिन इस टाइम काम करो यही मेरी बेनती है और सॉरी मैं लेट हुआ इसलिए आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वेट करनी पड़ी आपको, थैंक यू वेरी मच और सारे लोगों का मैं जो जितने भी लोग इधर आए हैं सबका धन्यवाद और जय हिंद जय कांग्रेस। Thank you.